स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है आज? देखो, आप में से जो है ना F5 का डे वन पढ़ने आए। क्या पढ़ने आए? F5 का डे वन। बेसिकली डे वन में मैं क्या डिस्कशन करता बिल्कुल हूँ, बेसिक्स। अब बेसिक्स में दो ही पॉइंट डिस्कस करता हूँ आज। कितने पॉइंट्स? दो पॉइंट। पहले मैं बात करूंगा विदाउट F5 डिवाइस। क्लियर है? पहले कौन सा डिस्कशन होगा? विदाउट F5 डिवाइस मेरे पास क्या क्या इशू आते हैं नेटवर्क में। क्लियर है? फिर मैं बात करूंगा उन इशू को रिजॉल्व करने के लिए मैंने किसका यूज करा, F5 डिवाइस का। क्लियर है? ठीक बेसिकली क्या होता है, F5 जो है, F5 ये एक आपका हार्डवेयर है। क्या है? हार्डवेयर डिवाइस है। क्लियर है? फिजिकली अवेलेबल है। और जो डिवाइस है उसमें आपको क्या मिलते हैं? मॉड्यूल्स। क्या मिलते हैं उसमें? मॉड्यूल्स। इस मॉड्यूल्स में आप कौन सा मॉड्यूल पढ़ने आए मुझसे? LTM। LTM कॉल्ड अ लोकल ट्रैफिक मैनेजर। क्या बोलते हैं इसको? लोकल ट्रैफिक मैनेजर। अब मैं आपको जो LTM पढ़ाने वाला हूँ F5 डिवाइस के पास, वो हम पढ़ेंगे लेटेस्ट अपग्रेडेड जो आपके पास पढ़ रहा है अभी 15.1 पे। किस पे बात करेंगे हम? 15.1 पे। क्लियर बिल्कुल है? और जितने भी F5 के प्रैक्टिकल होंगे या लैब्स होंगी, वो सारे के सारे हम किस पे डिप्लॉयमेंट करेंगे? VMware पे। क्लियर है? किस पे डिप्लॉय करेंगे? VMware पे। तो स्टार्ट करें हम क्लास विदाउट F5 डिवाइस, फिर किससे करेंगे? विद F5 डिवाइस। क्लियर है? एक छोटा सा लेन सेटअप बना दूं पहले। देखो, ISP कनेक्टेड होता है। ISP किससे कनेक्टेड होता है? आपके राउटर से। ये सुनो, सही चलो राउटर कनेक्ट कर दिया। और राउटर को किससे कनेक्ट करते हो आप? लेन में, फिर लोकल से एरिया नेटवर्क में। और लोकल एरिया नेटवर्क में मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट करने के लिए क्या यूज होता है? स्विच। स्विच बिल्कुल। देखिए, ये तीन कनेक्शन आपको पता होने चाहिए, ठीक है? बेसिक फंडामेंटल्स, राउटर और स्विच। अब देखो मैंने क्या करा, स्विच से पहले सर्वर वन कनेक्ट करा, फिर सर्वर टू, फिर क्या लगा दिया? सर्वर थ्री। और यहां पर एक कनेक्ट कर दिया सर्वर। ये कौन सा सर्वर लगा रहा हूं मैं लैन में अपने? मेरे लैन में जो लगा हुआ है ये मेरा DNS सर्वर है। कौन सा सर्वर लगा रहा हूं? DNS सर्वर। क्लियर है? DNS क्लियर है आप लोगों को? DNS क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। ठीक। ये सुनो, हाँ यस आईपी यस टू नेम, आईपी टू नेम को डोमेन नेम, ट्रांसलेट करता डोमेन है। नेमिंग। बिल्कुल। ये क्या लगा रखा है मैंने? DNS सर्वर। चलो बढ़िया है। यहां पर एक सर्वर वन है, सर्वर टू है, और ये क्या है आपका? सर्वर थ्री है। तीन सर्वर। चलो, सर्वर वन, सर्वर टू। सर अगर अच्छा इंग्लिश में तो कोई मसला नहीं है, अगर अच्छा दूसरों को कोई मसला नहीं है तो नहीं, कोई नहीं, कोई इशू नहीं है, सब इंडियन है, कोई चलो इशू नहीं। सही है। तो यहाँ पे इंटरफेस कौन सा दे दिया? 0/0। क्लियर है भाई? अब देखो, जब भी आप इधर की साइड जाते हो ISP साइड में, तो ये कौन सा एरिया होता है आपका? वैन साइड। वन और यहां पर कौन सा होगा? लैन साइड। क्लियर हो गया? अब मैंने इन दोनों के बीच में कौन सा नेटवर्क यूज कर रखा है? 12.0.0/30। कौन सा ले रखा है? 12.0.0/30, या सपोज कर लो ये लो 12.0.0/24। कोई इशू आया? नहीं। चलो, अब मेरे लैन में एक नेटवर्क दे रखा है 192.168.1.0/24। क्लियर है भाई? सर्वर वन की आईपी क्या है मेरी? 1.10। सर्वर टू की आईपी क्या है? 1.20। सर्वर थ्री की आईपी क्या है? 1.30। क्लियर है? ये क्लियर है आप लोगों को? चलो अब देखो, बात समझो। यहां पर इंटरफेस पे वन है, यहां पर इंटरफेस पे क्या है? टू। और मैंने एक पब्लिक आईपी परचेस कर रखी है। ये सुनो, पब्लिक आईपी क्या है मेरे पास? मैं बता देता हूँ। पब्लिक आईपी मेरे पास, पब्लिक आईपी है 12.0.10। क्लियर है? इस पब्लिक आईपी पे मैंने कौन सी सर्विस अलाउ कर रखी है? https://gentech.com। ये मेरी वेबसाइट है। ये सुनो, तो ये किस पे बना रखी है मैंने? https पे। क्लियर हो गया ये सब आपको डाउट? बताइए आप लोग। जी हाँ https://gentech.com। क्लियर है भाई? अब जी हाँ देखो, ये स्मॉल सेटअप में बात कर रहा हूं मैं आपको। चल, अब देखो, आउटसाइड से कौन एक्सेस करेगा मुझे? क्लाइंट। आउटसाइड से कौन एक्सेस करेगा? क्लाइंट। तो ये हमारा क्लाइंट कनेक्टेड हो गया। क्लियर है? अब बात करते हैं क्लाइंट की आईपी की। क्लाइंट की आईपी है, सपोज कर लो 1.1.1। क्या आईपी दे रखी है मैंने क्लाइंट को? 1.1.1। ये आपका पूरा का पूरा सेटअप है F5 का। क्लियर हुआ? इसी सेटअप पे हम प्रोसेस करेंगे।
एलटीएम हम इस पे ही पढ़ने वाले, पूरा क्लियर हो गया ये। अब बात करते हैं दूसरी, डिस्कशन कौन सा करने आए हम पहले, विदाउट एफ फाइव डिवाइस, किसकी बात करना है, विदाउट एफ फाइव डिवाइस। चलो देखो, अब जब भी इस क्लाइंट को, इस वेबसाइट को एक्सेस करना है तो ये अपना ब्राउजर ओपन करता था, यस और नो, और उस पर क्या लिखता था, gentech.com, यस और नो। तो सबसे पहले क्लाइंट क्या भेजता है आपको, एक क्वेरी मैसेज, क्या भेजता है, क्वेरी मैसेज, क्लियर है। ये क्वेरी मैसेज किसको रिसीव हुआ, उसके आईएसपी को, आईएसपी ने ये क्वेरी मैसेज किधर फॉरवर्ड करा, आपके वैन लिंक पे, क्लियर हुआ। वैन लिंक पे जैसे ही राउटर पे आया तो राउटर के पास एक पब्लिक आईपी है, इसके लिए दिख रही है। अब ये सारी क्वेरी किस पे गई, आपके डीएनएस सर्वर पे। अब एक्चुअली डीएनएस सर्वर पे क्यों गई है, क्योंकि डीएनएस सर्वर से आपने कौन कौन से सर्वर मैप कर रखे हैं, सर्वर वन, सर्वर टू, सर्वर थ्री, क्लियर हो गया। सर्वर वन की आईपी क्या दे रखी है, 1.10, सर्वर टू की 1.20, सर्वर थ्री की 1.30, क्लियर हो गया। तो ये डीएनएस क्वेरी किसको हैंड ओवर हुई है, बताइए आप लोग, डीएनएस सर्वर को। अब डीएनएस सर्वर क्या देख रहा है कि उसके पास कितने सर्वर मैप हुए हैं, 1, 2, 3, यानी ये डीएनएस क्वेरी किसको हैंड ओवर करनी है, सर्वर वन, सर्वर टू और सर्वर थ्री को, क्लियर है। तीनों को हैंड ओवर कर दी एक ही क्वेरी, यस और नो। अब यहां पर क्या होता है, पहला इश्यू क्या आता है, सपोज कर लो आपका एक सर्वर क्या हो रखा है, यहाँ पे डाउन, क्या हो रखा है, सर्वर डाउन, कौन सा वाला, सर्वर टू उस टाइम क्या हो रखा था मेरा, डाउन, और सर्वर वन बिजी है किसी और प्रोसेस में, किसी और की रिप्लाई कर रहा है क्वेरी, उसी टाइम इसके पास कौन सी क्वेरी आ गई, क्लाइंट की 1.1 की, और सर्वर थ्री भी क्या है, बिजी है, तो ये क्वेरी का रिप्लाई भेज सकते हैं, बताइए आप लोग, क्वेरी का रिप्लाई भेज सकता है कोई भी सर्वर, नहीं सर, कोई भी क्वेरी का रिप्लाई नहीं भेज सकता। अब यहाँ पर इशू क्या हो रहा है, देखो इशू मैं लिख रहा हूँ, ये मैं पहला इशू बता रहा हूँ यहाँ पे, फर्स्ट इशू, इशू ये है, डीएनएस सर्वर डोंट हैव एनी फीचर टू नो अबाउट विच वन सर्वर गोज डाउन, क्लियर है भाई, कि उसको पता ही नहीं रहता कि कौन सा सर्वर क्या हो गया है, डाउन हो गया, व्हाई, बिकॉज डीएनएस सर्वर डोंट हैव एनी मॉनिटर फीचर, क्लियर है भाई, क्या नहीं होता उस पे, मॉनिटर का कोई फीचर ही नहीं होता कि कौन सा सर्वर ऑनलाइन है और कौन सा सर्वर ऑफलाइन है, क्लियर हुआ पहला इशू आप लोगों को, बताइए आप लोग, इजी लग रहा है या नहीं, पहले बताइए मुझे, जी हां, पहले क्वेरी का आपको समझ में आया ना, क्वेरी भेजी है, क्वेरी उसके वैन पे गई, वैन ने किसको दे दी, डीएनएस सर्वर को, डीएनएस सर्वर से तीनों सर्वर मैप है, एक सर्वर डाउन था और दो सर्वर क्या थे, बिजी थे, भाई लोड सारा का सारा किस पे आ गया, वन और थ्री पे, लेकिन डीएनएस सर्वर को पता चल रहा है कि कौन सा सर्वर डाउन है, नहीं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इस क्लाइंट के पास कौन सा मैसेज जाएगा, इस क्लाइंट के पास कभी रिप्लाई जा सकता है यहां से, नहीं, इस यूजर के पास एक मैसेज आता है जो आप कॉमनली अपने ब्राउजर पे देखते हो, दिस साइट कांट बी रीच, यस और नो, अब ये प्रॉब्लम नहीं आती है मोस्ट ऑफ द जितने भी डोमेन पे आप जाते हो, यस और नो, क्लियर है। ये मैसेज कब आता है, जब डीएनएस क्वेरी आपकी क्या नहीं होती, रिजॉल्व, क्लियर हुआ, इश्यूज क्लियर है ना फर्स्ट। अब देखो दूसरे इशू पे बात करता हूँ, कॉमन इश्यूज है, ये आपका डायग्राम अगेन है, और यहाँ पे किसको लगा रहा हूं मैं, अपने क्लाइंट को, चलो ये क्लाइंट लगा दिया मैंने, आईपी क्या थी इसकी, 1.1.1। अब ये क्लाइंट क्या बोल रहा है, ओके डियर, नो वरी, नो इश्यू, आई एम गेटिंग आईपी एड्रेस विच वन, 1.1.1। अब मेरे लैन में कितने सर्वर थे, 3। अब मैं सर्वर वन में बता रहा हूं आपको, सर्वर वन के पास कितनी रैम है, 8 GB, कितनी रैम है इसके पास, 8 GB, सर्वर टू के पास कितनी रैम है, 4 GB, सर्वर थ्री के पास कितनी है रैम, 2 GB, क्लियर है, तीनों की रैम लिख दी, रैम में तो कोई इशू नहीं है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, सुनो, चलो अब क्लाइंट ने दोबारा से क्या भेजी, क्वेरी मैसेज, क्लाइंट क्या भेज रहा है दोबारा से, क्वेरी मैसेज, किसको भेजेगा, ये आपके आईएसपी को, आईएसपी इस क्वेरी मैसेज को किसको हैंड ओवर करेगा, बता सकता है कोई, वैन लिंक के पास, वैन लिंक को भेजेगा, वैन लिंक राउटर किसको दे देगा, डीएनएस सर्वर को। अब डीएनएस सर्वर दोबारा से कह रहा है
भाई डीएम मेरे पास कितने सर्वर है, सर्वर वन, सर्वर टू, सर्वर नंबर थ्री, क्लियर हो गया। तीनों सर्वर मैप है मेरी मैपिंग के अंदर, मुझे बताया गया है कि जब भी कोई क्वेरी आएगी तो मुझे हैंडओवर तीनों सर्वर को करना है। अब यहां पर क्या होता है, सर्वर आपके पास सबसे बेस्ट कौन से रिसोर्सेज वाला है, वन या थ्री या टू, कौन सा बेस्ट है? वन वाला है। अब यहाँ पे इशू नंबर टू आता है, डीएनएस सर्वर पे एक इशू आता है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे इशू नंबर टू, डीएनएस सर्वर नेवर परफॉर्म एनी लोड बैलेंसिंग, यानी परफॉर्म करता वो कभी भी लोड बैलेंसिंग, डीएनएस सर्वर प्रोवाइड दिस क्वेरी मैसेज, क्लियर है भाई, दिस क्वेरी मैसेज फॉर ऑल सर्वर्स, क्लियर है भाई, किसको भेज देगा, सभी सर्वर्स को। तो यहां पर इशू क्या होगा, कई बार आपके पास इशू क्या आएगा, सर्वर वन सबसे ज्यादा क्वेरी को क्या कर रहा होगा, रिजॉल्व, और सर्वर टू क्या कर रहा होगा, अगेन कम क्वेरीज को रिजॉल्व, और सर्वर थ्री पे कितनी क्वेरी आ रही होगी, मिनिमम, कितनी आ रही होगी, मिनिमम, क्योंकि जब भी क्वेरी आएगी सर्वर वन पे तो ये फास्ट रिप्लाई कर देगा, क्योंकि इसकी रैंडम एक्सेस मेमोरी कितनी है, 8 GB, यस ऑर नो, जब सर्वर टू पे क्वेरी आएगी तो ये भी क्या कर देगा, फास्ट रिप्लाई, लेकिन जब सर्वर थ्री पे मल्टीपल क्वेरी आ गई तो ये क्या कर सकता है, किसी का रिप्लाई कर पाएगा, किसी एक क्वेरी का रिप्लाई एट अ वन टाइम कर सकता है, यस और नो। तो यहां पर दूसरा इशू क्या आ रहा है कि डीएनएस सर्वर क्या परफॉर्म नहीं कर सकता कभी भी आपकी, लोड बैलेंसिंग, क्लियर है भाई, बताइए राहिल जी, आनंद जी, रोनित, क्लियर, क्लियर। चलो अब देखो थर्ड इशू, थर्ड इशू कॉमन है, आप लोग सभी मोबाइल फोन यूजर्स हैं, यस और नो, मोबाइल फोन यूजर्स के पास कौन सी आईपी होती है, कोई बता सकता है, IPv4 या IPv6? IPv6 होती है, IPv6, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे अब थर्ड इशू, ये है आपका क्लाइंट, अब मैंने इसको बोला कि इसके पास कौन सी आईपी है, IPv6, कौन सी आईपी आपकी, IPv6, इस क्लाइंट ने दोबारा से कौन सा मैसेज सेंड करा, क्वेरी मैसेज, कौन सा मैसेज सेंड करा, क्वेरी मैसेज, ओके, ये क्वेरी मैसेज किसको हैंड ओवर हुआ, आपके राउटर के साइड आ गया, रूटेड था आपके कस्टमर से, ये सुनो, अब जैसे ही राउटर ने इस डेटा क्वेरी को आगे किसको दिया, डीएनएस सर्वर को, डीएनएस सर्वर हो गया है आपका कंफ्यूज, व्हाई, बिकॉज ऑल सर्वर अवेलेबल विद IPv4 और 6, विच वन, IPv4 के साथ आएंगे, IPv4 के पास, क्लियर है, इश्यूज नंबर थर्ड, तीसरा इशू आता है आपके पास, डीएनएस सर्वर डोंट हैव एनी फीचर टू कन्वर्ट IPv6 टू IPv4, क्लियर भाई, कौन सा आया इशू, पढ़िए, डीएनएस के पास V6 से V4 में कन्वर्ट करने का फीचर नहीं है, कोई फीचर है ही नहीं, दैट मींस IPv4 सर्वर Never send back a reply message. Yes or no, भाई? बताइए आप लोग। बिल्कुल दे रहे इतना? चल। अब मेरी बात समझे आप दूसरी बात समझे। थर्ड इशू क्लियर हो गया। अब एक और इशू आता है कॉमन इशू। ये सारे इशू किसके आ रहे हैं? Without F5 के आ रहे हैं ना? Yes or no? चलो। लास्ट इशू भी पढ़ा देता हूँ। क्लाइंट। क्लियर है भाई, आईपी क्या थी, 1.1.1, क्लियर हुआ इतना, बताइए। अब देखो एक इशू आता है, बहुत ही रैंडम इशू होता है, आपने कभी सुना है नेट के बारे में, नेट के बारे में सुना है, नेट पॉलिसीज जो लगती हैं, हाँ, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, राइल क्या बोलते हैं इसको, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, प्राइवेट टू पब्लिक करता है। देखो इशू नंबर थ्री बहुत कॉमन था, वो आपको पता चल गया, इशू नंबर फोर को समझो, जब क्लाइंट क्वेरी भेजता है तो सोर्स आईपी क्या रखेगा, अपनी 1.1.1.1, और डेस्टिनेशन आईपी क्या रखता है भाई, आपकी पब्लिक आईपी रख लो, सपोज कर लो इस पे हिट कर रहे हो आप डायरेक्ट, यस और नो जी। अब जब ये क्वेरी मैसेज यानी डेटा पैकेट आपके राउटर पे रिसीव होता है तो राउटर चेक करता है इस पब्लिक आईपी से क्या मैप हो रखी है, एक वेबसाइट, और वो किसको हैंड ओवर करवा देता है, डीएनएस सर्वर को, ये सुनो। अब डीएनएस सर्वर के पास सारे के सारे सर्वर्स की क्या हो रखी है, मैपिंग, ये सुनो। अब देखो डीएनएस सर्वर क्या बोलता है, डीएनएस सर्वर ने देखा ओके सोर्स कौन आ रहा है 1.1.1, और डेस्टिनेशन कौन है
12.10. अब राउटर क्या कर सकता है, राउटर चेंज ओनली लेयर 3 हेडर और लेयर 4 हेडर. क्या चेंज कर सकता है, लेयर 3 और लेयर 4. यस और नो? अब मैं ऐसी पॉलिसी लगाना चाहता हूं, आपने देखा होगा गवर्नमेंट वेबसाइट्स होती हैं, वो हमेशा किस पे ओपन होती है, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे. देखा है आपने कभी? मैक्सिमम वेबसाइट्स मैक्सिमम इंटरनेट एक्सप्लोरर पे होती है. आप किसी अदर ब्राउजर से एक्सेस करोगे तो वो कभी एक्सेसिबल नहीं होती, होती नहीं है, वो एरर आना शुरू हो जाते हैं. अब देखो यहाँ पर ये क्लाइंट किससे एक्सेस कर रहा था, सपोज कर लो ओपेरा ब्राउजर खोल लगा इसने. कौन सा ब्राउजर? ओपेरा. या इसने कौन सा ब्राउजर ओपन कर रखा है, कोई अनवांटेड ब्राउजर ओपन कर रखा है. यस और नो? एक्स वाई जेड समझ लो जो यूज होता है एथिकल हैकिंग में. यस और नो? इस ब्राउजर पे आप प्रॉक्सी लगा सकते हो, वीपीएन लगा सकते हो. यस और नो? और मेरी वेबसाइट के बैकएंड प्रोसेस को फ्रंट एंड पे लाके काम कर सकते हो. यस और नो? मैं चाहता था ये जो एक्स वाई जेड वाला ब्राउजर है कभी भी एक्सेस ना करे मेरे इस डोमेन सर्वर को और मेरी वेबसाइट को. यस और नो? तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, यहाँ पर क्या इशू आता है, फोर्थ नंबर का इशू, व्हेनेवर क्लाइंट सेंड अ डेटा ट्रैफिक फ्रॉम एनी एप्लीकेशन. यस और नो? डीएनएस सर्वर रिसीव, डीएनएस सर्वर क्या कर सकता है उसको, रिसीव एंड सेंड बैक रिप्लाई मैसेज. क्या भेज सकता है उसको, रिप्लाई कर सकता है. यस और नो? तो ये सिक्योरिटी लूप फॉल हुआ या नहीं हुआ, आप बताइए. जी जी बिल्कुल. चलो अब देखो नंबर फोर्थ में ही एक और इशू काउंट करा सकता हूं मैं आपको. आप चाहते हो आपकी लैन में जब भी ये डेटा ट्रैफिक जाएगा, जैसे सपोज कर लो सोर्स आईपी 1.1 का डेस्टिनेशन क्या थी, 12.10. अब जब ये आईपी राउटर पे आती है, जब ये डेटा ट्रैफिक किसके पास आएगा, आपके राउटर के पास, तो राउटर क्या परफॉर्म करेगा, नेटिंग. ये सुन लो, तो सोर्स आईपी क्या रखेगा, सोर्स आईपी क्या रखेगा, अब जब लैन में देगा तो सोर्स आईपी रख सकता है वो 1.1. क्या रख सकता है, 1.1. और डेस्टिनेशन आईपी क्या दे सकता है, 1.11. क्या दे सकता है आपकी, 1.11. अब देखो ये सोर्स आईपी 1.1 कौन है, ये आपकी गेटवे की आईपी है. किसके आईपी है, गेटवे की. और 1.11 किसको दे रखी है भाई, मैंने अपने डीएनएस सर्वर को. तो ये डेटा जो ट्रैफिक था वो किसको हैंड ओवर हुआ, डीएनएस सर्वर को. यस और नो? लेकिन अब जो ये मैपिंग कराई है आपने सोर्स आईपी की, ये ट्रांसलेशन किसने करी थी अभी, राउटर ने. जब कस्टमर के पास रिप्लाई आएगा तो सर्वर रिप्लाई करेगा, सोर्स आईपी क्या रखेगा, 1.10. और डेस्टिनेशन क्या रखेगा, डायरेक्ट डेस्टिनेशन क्या रखेगा, बता सकता है कोई, 1.11. ये आ जाता है. लेकिन बाय डिफॉल्ट अब राउटर कैसे सेंड करता है डेटा ट्रैफिक इनसाइड लैन, अब वो क्या बोल रहा है, देखो सोर्स आईपी क्या बता रहा है, 1.1.1. और डेस्टिनेशन आईपी क्या कर देगा, आपके डीएनएस सर्वर की. यस और नो? डायरेक्ट हिट होता है ना आपके पास. यस और नो? और जब सर्वर को रिसीव होगा तो सोर्स अंदर आ गया, यानी जब सर्वर रिप्लाई करेगा तो सोर्स आईपी क्या रखेगा अपनी, 1.10. और डेस्टिनेशन में क्या डाल देगा, 1.1. यस और नो? तो ये क्या हो गया, मेरे लैन में चला गया कस्टमर. यस और नो? अपनी आईपी के साथ. तो इसीलिए मैं यहाँ पर क्या परफॉर्म करता हूँ, नेटिंग. क्या परफॉर्म करता हूँ, नेट. यहाँ पे क्या इशू आ सकता है, सिक्योरिटी लूप फॉल हो सकते हैं. क्या हो सकते हैं, सिक्योरिटी लूप फॉल. क्लियर है भाई? यस दिया राहिल सर, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए दोबारा, फोर्थ नंबर इशू को. अच्छा, फोर्थ नंबर इशू को कोई इशू नहीं. देखो मैं क्या कह रहा हूँ, बात समझो. अगर मेरा ये जो क्लाइंट है ये ओपेरा ब्राउजर से एक्सेस कर रहा है तो परमिट है, कोई इशू नहीं है. सपोज करो इस क्लाइंट ने आपकी बैकएंड सर्विस को चेक करना है. यस और नो? तो इसने क्या करा, एक एक्स वाई जेड करके ब्राउजर आता है. क्लियर है? जी जी. तो यूज करते हो आप लोग डीएनएस सर्वर को, क्या कर सकते हो आप, स्निफ कर सकते हो और डेटा हेडर्स को पढ़ सकते हो, कनेक्शन को इनक्रिप्ट कर जो जा रहा था उसको डिक्रिप्ट करके पढ़ सकते हो. यस और नो? एसएसएल सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लोगे आप. यस और नो? तो ये जो एक्स वाई जेड ब्राउजर था, मैं अलाउ ही नहीं करना चाहता था कि भाई ये जो ब्राउजर से जब भी रिक्वेस्ट आए ना इस वेबसाइट पे, वो क्या हो जाए, डिसअलाउ. क्या हो जाए, डिसअलाउ, ड्रॉप हो जाए. जी जी बिल्कुल. मैं सिर्फ ओपेरा को अलाउ करूंगा कि ओपेरा से जब भी कोई मेरी वेबसाइट एक्सेस करे तो एक्सेसिबल हो. ये सुनो, तो इस तरीके की सिक्योरिटी पॉलिसी आपका डीएनएस सर्वर देता ही नहीं. क्लियर है भाई? इस तरह की सिक्योरिटी पॉलिसी
आपका डीएनए सर्वर देता ही नहीं है। तो ये चार कॉमन इश्यूज थे, क्या थे आपके चार कॉमन इश्यूज। राहिल क्लियर है इतना? ठीक है कोई डाउट है राहिल बताइए आप? नहीं 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 ठीक है। चलो अब मैं बात करता हूँ विद F5 डिवाइस। किसकी बात करता हूँ? विद F5 डिवाइस कैसे रिजोल्व करोगे? देखो एक ही डायग्राम में चारों इश्यू रिजोल्व करके दिखाऊंगा विद F5 डिवाइस। पहले आपको समझना पड़ेगा कि भाई ये इश्यू आते कैसे हैं और सॉल्व कैसे करने हैं आपको, यस और नो, तभी तो आप कर पाओगे। तो भाई पहला इशू क्या आया था आपके पास? क्वेरी आती थी, यस और नो, और क्वेरी आपकी लेन में जाती थी लेकिन डीएनएस सर्वर को कोई फीचर ही नहीं था जिससे पता चले कि सर्वर ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, यस और नो बताइए आप लोग। तो अब मैं क्या लगाने वाला हूँ यहाँ पे दोबारा से लेन सेटअप। लेन सेटअप करने के लिए मेरे पास ISP है, यस और नो? ISP किससे कनेक्टेड होता है भाई आपका? राउटर से। राउटर लगाएंगे, हाँ, राउटर लगा दिया। अब मैंने राउटर से किसको कनेक्ट कर दिया अपने? स्विच को करा था। अब मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे आपके पास F5, क्या लगा रहा हूँ? F5। और F5 को किससे कनेक्ट कर दिया अपने? लैन से। अब ऐसा भी है इस F5 को आप डायरेक्ट इंटरनेट से लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके G5 कर दिया यार, सुबह से पढ़ाते पढ़ाते थक जाते ना। चलो ये लो स्विच लगाओ। कितने सर्वर लगाए थे हमने? कितने सर्वर थे? तीन सर्वर थे, एक DNS सर्वर था। ये लो भाई सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3। चलो अब मुझे DNS सर्वर खरीदने की जरूरत ही नहीं है, देखते रहो। सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3, क्लियर हो गया? ये क्या लगा दिया? राउटर। अब मेरे लैन में नेटवर्क बताया था ना कौन सा था, लैन वाला, याद है किसी को? 192.168.1.0/24। चलो बढ़िया है। ये वाले भैया कौन है? ISP। इनकी IP क्या थी? 1.10, 1.20 और 1.30। चलो बढ़िया है। अब मेरे को बताओ ये इंटरफेस क्या बन रहा था मेरा हर बार? गेटवे, यस और नो? जी हाँ। बढ़िया है। पर बाहर किसको बिठाया था भैया आपने? क्लाइंट को। चलो बढ़िया है, कोई इशू नहीं। इतना आपने समझ में आ गया डायग्राम कैसे सेटअप करने वाले हैं, यस और नो? डिप्लॉयमेंट से पहले आपको डिजाइन आना चाहिए किसी भी नेटवर्क का। चलो अब देखो मैंने क्या बोला, एक पब्लिक नेटवर्क ले रखा था ISP से जब कनेक्ट होता था तो /24, और पब्लिक IP क्या थी मेरे पास? 12.0.10। वेबसाइट का नाम याद है ना? https://dentech.com। कोई इशू तो नहीं है। चलो अब देखो मेरे पास बीच में कौन लगा हुआ है? F5 डिवाइस। पहले इशू को कॉपी करके लिया, यही रिजोल्यूशन दे दूंगा मैं इसका, कैसे करना है यही है, पेस्ट कर दो। अब पहला इशू पढ़िए राहिल जी, आप पहला इशू पढ़िए, क्या था? DNS server don't have any feature to know about which server goes down because the DNS don't have any monitor feature. Clear है? अब ये monitor क्या है? भाई आप लोग security में as a working हो, network engineer, आपने कभी SLA सुना है? SLA क्या करता है? आपकी link monitoring करता है? Yes or no? जी हाँ। लिंक मॉनिटरिंग का मतलब भाई कस्टमर का अगर लिंक डाउन है या ISP का, तो कस्टमर एक स्क्रीनशॉट भेजता है कि भाई मेरी तरफ से इशू नहीं है, आपका ही लिंक क्या हो रखा है? डाउन है। तभी तो आपकी कंप्लेंट लॉक होती है। विदाउट SLA क्या बोलोगे? कुछ कह नहीं सकते हम। बिल्कुल। अभी F5 डिवाइस क्या करता है? मॉनिटर यूज करता है। मॉनिटर क्या होते हैं? अब देखो मॉनिटर के लिए छोटी सी एक थ्योरी होती है, यहाँ पे मैं रिजोल्व करके दिखा रहा हूँ ये इशू क्या होता है। F5 डिवाइस यूज मॉनिटर टू वेरीफाई सर्वर अवेलेबल और नॉट अवेलेबल, यस और नो? सर्वर क्या है, अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है। F5 डिवाइस ऑल्सो हैव अ मल्टीपल मॉनिटर्स टू वेरीफाई सर्विसेस। किसको वेरीफाई कर सकते हो आप? सर्विसेस। कैसी सर्विसेस? जैसे मैंने HTTPS यूज करा तो उसका पोर्ट नंबर क्या होता है? 44
थ्री, अगर मैंने एफ टी पी यूज करा तो पोर्ट नंबर क्या होता है 2021। या सुनो, अगर मैंने कोई HTTP यूज करा तो क्या लिखूंगा 80। और अगर मुझे रीचेबिलिटी चेक करनी है भैया तो ICMP प्रोटोकॉल नंबर 1। या सुनो, तो आपका FI डिवाइस कंटिन्यूसली कुछ टाइम ड्यूरेशन के अंदर कुछ प्रॉब मैसेज भेजता है। क्या भेजता है आपके? प्रॉब मैसेज। क्या बोलते हैं उसको? प्रॉब मैसेज सर्वर 1, सर्वर 2 और सर्वर 3 को। जब ये प्रॉब मैसेज का सर्वर क्या भेजता है आपका? रिप्लाई। क्या भेजता है? रिप्लाई। तो F5 डिवाइस क्या करता है? सर्वर 1 क्या बताएगा? ऑनलाइन। क्या बताएगा? ऑनलाइन, यानी क्या है? अवेलेबल। सर्वर 2 क्या कर रखा है? ऑनलाइन। क्लियर है? अब इसको नहीं मिला सर्वर 3 का रिप्लाई, तो उसने क्या बोल दिया इसको? ऑफलाइन। क्या बोल दिया इसको? ऑफलाइन। क्लियर है इतना? ये क्लियर है आपको? समझ में आया? ये कौन से मैसेज भेज रहा है इसको? प्रॉब मैसेज। प्रॉब मैसेज। क्लियर है? और सर्वर उसका क्या कर रहे हैं? हमेशा रिप्लाई। अब जो सर्वर रिप्लाई नहीं करेगा उसको वो क्या मार्क कर देगा? ऑफलाइन। क्या मार्क कर देगा? ऑफलाइन, अनअवेलेबल। ये सुनो, राइट नाउ क्लाइंट ने क्या भेजी आपको? एक क्वेरी मैसेज। ये सुनो, क्या भेजा यहाँ पे रोनित जी? क्वेरी मैसेज। क्वेरी राउटर पे आया, राउटर ने किसको हैंड ओवर कर दिया? F5 को। F5 अब इस डेटा ट्रैफिक को लैन में भेजने से पहले क्या चेक करता है? रीचेबिलिटी सर्वर्स की। तो कौन कौन से सर्वर रीचेबल है? 1 और 2, और 3 क्या हो रखा है? डाउन। तो अब वो क्या चेक करता है? सर्वर 1 और सर्वर 2 है, तो वो क्या कर रहा है? पहले सर्वर 1 को भेजी, फिर किसको दे दी? सर्वर 2 को। अब जो अवेलेबल होगा वो क्या भेज देगा इसका? प्रॉब मैसेज, रिप्लाई मैसेज। तो क्वेरी क्या हो जाएगी आपकी? रिजॉल्व। क्लियर है इतना? बताइए आप लोग। यस डन है। बताइए। यस सर। चलो, अब दूसरा इशू बता सकता है कोई मुझे? दूसरा इशू क्या था? दूसरा इशू क्या आया था? पढ़िए। DNS सर्वर नहीं परफॉर्म कर रहा, कोई लोड बैलेंसिंग नहीं करता है। और बिल्कुल कोई लोड बैलेंसिंग नहीं करता। चलो ठीक है, देख लेते हैं, कोई डाउट ही नहीं है। ये लो, दूसरा इशू उठा के लाए हो आप। इसमें बोल रहा है DNS सर्वर नेवर परफॉर्म एनी लोड बैलेंसिंग। DNS सर्वर प्रोवाइड दिस क्वेरी मैसेज फॉर ऑल सर्वर। यस और नो? कि एक क्वेरी आएगी और सबको भेज दूंगा मैं तो। यस और नो? अब देखो F5 डिवाइस क्या बोलता है, हाउ टू रिजॉल्व दिस इश्यूज। सो F5 बोलता है FI device have a load balancing concept. क्या होता है उसके पास भाई? Load balancing concept. Load balancing concept. Clear है? FI device by default use a round robin algorithm. क्या use करता है? Round robin algorithm for load balancing. किसके लिए? इशू रिजॉल्व कर रहे थे ना आप लोग, बढ़िया। अब देखो, जब DNS क्वेरी आई थी क्लाइंट की, अब देखो इस क्लाइंट ने जो है ना दिमाग लगाया, इसने जो है 4-5 टैब खोली और सबसे जेनटेक लिख दिया, तो कितनी क्वेरी जनरेट हुई? 2। अब ये दोनों क्वेरी किसको मिली? लैन वाले अपने F5 डिवाइस को। यस और नो? अब F5 डिवाइस ने देखा कौन सी एल्गोरिथम चल रखी है भाई मेरे पास, तो कौन सी चल रखी है? राउंड रॉबिन। अब ये कौन है भाई? राउंड रॉबिन का मतलब होता है जो क्वेरी है वो किसको मिलेगी? 1 by 1। तो पहली, ये पहला पैकेट था, और ये कौन सा था आपका? दूसरा। पहला और दूसरा। अब ये DNS क्वेरी पहले किसको मिलेगी? सर्वर 1 को। और दूसरी वाली क्वेरी किसको मिलेगी? सर्वर 2 को। क्लियर हुआ? अब देखो आपके पास लोड बैलेंसिंग करने के बहुत सारे मेथड है, जैसे आपके हार्डवेयर रिसोर्सेस पे भी डिपेंड कर सकता है। ये किस पे? हार्डवेयर रिसोर्सेस पे, कि आपके पास 8 GB है या 6 GB या 2 GB। क्लियर है? आप नहीं चाहते बताना कि भाई ये रेंडमली यूज करे। सपोज करो सर्वर 1 की 8 GB रैम थी लास्ट टाइम, यस और नो? सर्वर 2 की कितनी बताई थी? 4 GB। अरे क्या लेगा, 4 GB। और सर्वर 3 की क्या बताई थी? 2 GB। अब ये क्या करेगा? हार्डवेयर रिसोर्सेस पे डिपेंड करेगा। जब भी मल्टीपल क्वेरी आएगी तो सबसे ज्यादा क्वेरी किसके पास दे देगा?
सर्वर वन को, और सबसे ज्यादा क्वेरी उसके बाद किसको देगा, सर्वर टू को, क्लियर है भाई। और मिनिमम क्वेरी किसको देगा आपके, सर्वर थ्री को, जिससे आपका कभी कोई डेटा जो डेटा ट्रैफिक था वो ड्रॉप हो पाएगा क्लाइंट का, नहीं। लेकिन ये ऐसा कोई काम डीएनएस सर्वर करता था नहीं, नहीं। सर इसको रिजॉल्व कर रहे हैं ना धीरे धीरे। चलो अब यहाँ पे लोड बैलेंसिंग की बात हो गई है, अब तीसरा इशू क्या था, थर्ड इशू पढ़िए। डीएनएस डज नॉट हैव एनी फीचर टू कन्वर्ट IPv6 टू IPv4। IPv6 से IPv4 में कन्वर्ट करने का कोई कॉन्सेप्ट मेथड ही नहीं है भाई। देखो अब F5 डिवाइस पे आप कर सकते हो लेयर 3 हेडर की इंफॉर्मेशन को चेंज, क्या कर सकते हो, लेयर 3 हेडर की इंफॉर्मेशन को चेंज। आप लेयर 4 भी चेंज कर सकते हो, क्या चेंज कर सकते हो, लेयर 4 हेडर। क्लियर है रोनी जी? चलो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसको रिजॉल्व कैसे करेगा F5 डिवाइस। F5 डिवाइस यूज प्रोफाइल कॉन्सेप्ट एंड F5 डिवाइस ऑल्सो हैव फीचर टू चेंज अ लेयर 3 हेडर IPv6 टू IPv4। किसमें चेंज कर सकता है ये, IPv6 से IPv4 में, क्लियर है भाई। ये करके दिखाएंगे, अब इसमें कैसे बताऊं। देखो F5 डिवाइस क्या बोलता है, सपोज कर लो IPv6 आ रही है ये वाली को, ये IPv6 है आपके क्लाइंट का, ये आपके क्लाइंट का क्या है IPv6 एड्रेस, क्लियर है। अब ये IPv6 एड्रेस से क्या भेज रहा है आपकी वेबसाइट पे, क्वेरी के लिए डाल रहा है, ये किस पे आएगा पहले, राउटर पे। राउटर किसको देने वाला था, इसको F5 को। F5 देख रहा है कि सोर्स IP क्या आ रही है भाई आपकी, IPv4 या IPv6 बताइए, IPv6। अब उसने देखा भाई जो मेरे पास सर्वर है वो किस पे मैप हो रखे हैं, IPv4 पे, लेकिन आपका F5 डिवाइस ही एक ऐसा डिवाइस है जो IPv6 को किसमें कन्वर्ट कर देगा, IPv4। क्लियर है। अब देखो एक नेक्स्ट जो इशू था आपका फोर्थ नंबर, उसमें क्या लिखा हुआ है पढ़िए, ये वाला कि भाई एप्लीकेशन को कैसे सिक्योर करो, यस और नो। तो इसका रेजोल्यूशन मैंने इसके इसी कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दिया था कि मैं क्या करूंगा वहां पे ब्राउजर को क्या कर दूंगा, फिक्स कर दूंगा, क्या कर दूंगा, ब्राउजर को फिक्स कर दूंगा। मैं यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूँ, F5 डिवाइस ऑल्सो हैव फीचर टू डिफाइन अ क्लाइंट साइड यूजर्स विच वन एप्लीकेशन यूज टू एक्सेस दिस सर्वर्स। क्लियर भाई, कि मैं बता सकता हूँ F5 डिवाइस पे कि क्लाइंट साइड कौन सी एप्लीकेशन यूज करे इसको एक्सेस करने के लिए, क्लियर है। F5 डिवाइस ऑल्सो हैव फीचर टू डिक्रिप्ट इनक्रिप्टेड अ डेटा, क्या कर सकता है वो भाई, पढ़िए, डिक्रिप्ट कर सकता है किसको, इनक्रिप्ट डेटा को। अब मैं कैसे बताता हूँ, देखो समझो, जब भी आप HTTPS साइट को एक्सेस करते हो तो क्लाइंट से सर्वर तक का सारा डेटा कैसा होता है डियर, इनक्रिप्टेड, कैसा होता है, इनक्रिप्टेड विद द हेल्प ऑफ SSL सर्टिफिकेट। किसके हेल्प से होता है ये सारा प्रोसेस बताइए आप लोग, SSL सर्टिफिकेट। अब SSL सर्टिफिकेट क्या होता है समझो बात को, देखो मैं गया यहाँ पर, मैंने लिखा Gentech Networks, क्लियर है भाई। अब देखो जब भी मैं अपनी वेबसाइट को एक्सेस करूंगा, किसको, Gentech Networks की वेबसाइट को, तो यहाँ पे लॉग बना हुआ आ रहा है, यस और नो, लॉग बना हुआ दिख रहा है आप लोगों को, बताइए। अब देखो इस लॉग पे क्लिक करो, कनेक्शन इज सिक्योर, क्या लिखा रहा है, कनेक्शन इज सिक्योर, यानी हमने परचेज कर रखा है SSL सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट से क्या होता है, एंड टू एंड इनक्रिप्शन चलती है, क्या चलती है, एंड टू एंड इनक्रिप्शन, यानी क्लाइंट से लेके सर्वर तक सारा डेटा कैसा होगा, इनक्रिप्टेड। लेकिन आपके F5 भैया क्या काम करा सकते हैं यहाँ पे, कि जब भी क्लाइंट इनक्रिप्टेड डेटा भेजेगा F5 उसको क्या कर सकता है, डिक्रिप्ट कर सकता है, क्या कर सकता है, डिक्रिप्टेड, कैसा भेज सकता है आपके लैन में, डिक्रिप्टेड। तो सर ये क्या सिक्योरिटी ब्रीच करना हुआ या सिक्योर करना हुआ, सिक्योर करना हुआ ना भाई, मैंने यहाँ पर एक पर्सन को बिठा रखा है मॉनिटरिंग के लिए,
अच्छा मॉनिटर करते रहो कौन सा यूजर क्या भेज रहा है, डेटा कौन सा अपलोड कर रहा है, कौन सा डाउनलोड कर रहा है। यस और नो, आपने देखा होगा कई कंट्रीज की आईपी ब्लॉक होती है, यस और नो? तो आपको कैसे पता होता है ब्लॉक होती है? लिस्ट होती है। अब लिस्ट में भी बंदे ने वीपीएन यूज कर लिया तो वीपीएन बाईपास कर देगा, यस और नो? अब बाईपास करने का मतलब उसका तो इनक्रिप्टेड आ रहा है, आप तो कभी देख ही नहीं पाओगे F5 से जब जाएगा। तो मैं उसको क्या करके देखूंगा, डिक्रिप्ट, और यहाँ पे किसको बिठा दूंगा, एक मॉनिटरिंग के लिए पर्सन को, यस और नो? कि जब भी कोई अनऑथराइज यूजर एक्सेस करने की कोशिश करे तो मुझे क्या जाए, नोटिफिकेशन। क्लियर है भाई? अच्छा, वैसे नीड नहीं होती, आप डिक्रिप्ट करके देखो रियल टाइम में ये कैसा चलता है, एंड टू एंड इनक्रिप्शन। लेकिन आपके पास एक पावर है क्या करने के लिए, डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए, जो डीएनएस के पास नहीं थी। क्लियर है रोनी जी? यस सर। क्लियर है? जी हाँ जी हाँ। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए मतलब सर, अगर ये डिक्रिप्ट करेगा फिर तो सर ये पूरा उसका नहीं, डिक्रिप्ट करने का मतलब ये है कि कंटेंट चेक कर सकता है कि वो कंटेंट क्या भेज रहा है, क्या भेज रहा है। कभी हो सकता है कि हमारी कंपनी की इन्फॉर्मेशन भेज दी हो या कुछ ऐसी चीजें आ रही हो, क्या पता जो... उसने यहाँ से पेलोड बनाया और वो पेलोड किस पे भेज दिया, F5 पे। F5 तो उसको भाई साहब इनक्रिप्टेड नीचे भेजेगा, सर्वर पे जैसी वो क्या होगा, रिसीव होगा, इंजेक्ट कर देगा पेलोड। बिल्कुल। अब सर्वर उसको हर 2 सेकंड में क्या कर रहा है, पिंग कर रहा है, डेटा भेज रहा है कोई आपका, यस और नो? क्या बताओ, रिमोटली आपके एप्लीकेशन को भी एक्सेस कर ले। तो मैं कुछ प्रोसेस में इसको क्या कर सकता हूँ, डिक्रिप्ट हो सकता है। क्लियर है? कंडीशन होती है, देखो वैसे करते नहीं है लेकिन कर सकते हो आप। क्लियर है? तो सर जैसे ये जैसे डिक्रिप्ट तो इंजीनियर डोमेन नेम सिस्टम। क्लियर है? डीएनएस कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है, डीएन? UDP। कौन सा पोर्ट नंबर होता है? 23। पोर्ट नंबर 59। पार्टी होती है बर्गर की, जो गलत बताएगा। 53। क्लियर है? DNS प्रोवाइड क्या करता है आपको, प्रोवाइड क्या करता है, आईपी टू नेम कन्वर्सेशन, यस और नो? और DNS और क्या करता है, प्रोवाइड नेम टू आईपी कन्वर्सेशन, यस और नो? ओके, राइट नाउ, राइट नाउ DNS ऑल्सो प्रोवाइड, क्या लिख रहा हूं मैं, DNS also provide अब messages, क्या provide करता है, messages। अब देखो कौन से message होते हैं, एक होता है DNS query message, क्या होता है जी, query message, DNS query message। दूसरा क्या होता है, DNS reply message। तीसरा क्या होता है, DNS query not resolved message। क्लियर है भाई? कौन कौन से मैसेज है पढ़िए आप लोग, क्वेरी मैसेज, रिप्लाई मैसेज, नॉट रिजॉल्व मैसेज, यस और नो? अब देखो बात समझो, आईपी एड्रेस कितने टाइप के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स आईपी एड्रेस, टू टाइप्स, IPv4 और IPv6। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था, टेस्ट करता हूँ मैं हर बार हर एक स्टूडेंट को F5 के लिए। DNS सर्वर पे जाके How to identify this query from IPv4 or IPv6? कैसे पता चलेगा बताइए? सर हेडर से देखेगा उसका। हाँ जी, हेडर देखेगा उसका। हेडर, अच्छा चलो ठीक है, और क्या देख सकते हैं बताओ, हेडर के अंदर क्या देखते हो आप, राहिल, रोनी जी? ये हेडर से नहीं, देखो बेसिक्स तो थोड़ा सा पता होना चाहिए जिससे हमें क्लियर होता रहे, ठीक है ना? चलो अब मैं बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बात। जब भी आप क्वेरी मैसेज भेजते हो, क्या भेजते हो भाई, क्वेरी मैसेज। क्वेरी का मतलब होता है आप क्या कर रहे हो, मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, ये क्या भेज रहा हूँ मैं, क्वेरी मैसेज। क्लियर है? तो इस DNS क्वेरी मैसेज का पूरा हेडर दिखाता हूँ, DNS क्वेरी मैसेज। इस DNS क्वेरी मैसेज के अंदर मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या पूछता हूँ, क्वेश्चन, हु इज जेनटेक नेटवर्क्स, यस और नो? कि भाई कौन है, यस और नो? अब मेरे को DNS सर्वर क्या भेजता है, उसका रिप्लाई। लेकिन जब मैं क्वेश्चन करता हूँ तो मुझे बताना पड़ता है टाइप फील्ड के अंदर, क्या बताना पड़ता है, टाइप फील्ड के अंदर, कि मैं कौन से आईपी एड्रेस यूज कर रहा हूँ। क्लियर है भाई? अब इस टाइप फील्ड के अंदर दो मेथड होते हैं, यानी क्वेरी मैसेज कितने टाइप के हो सकते हैं,
क्वेरी मैसेज कितने टाइप के बता सकते हो आप? टू टाइप्स. कितने टाइप्स? टू टाइप्स. एक होता है IPv4 और एक होता है IPv6. अब जब भी IPv4 की क्वेरी जाती है तो उसके अंदर टाइप फील्ड में क्या जाता है लिख के? सिंगल ए. क्या जाता है? अच्छा, सिंगल ए. और जब भी IPv6 की जाती है तो उसमें टाइप फील्ड में लग के जाता है 4 टाइम ए. कितने टाइम? 4 टाइम ए. दैट इज द रीजन F5 device also know which type of query message I am receiving. Clear hai bhai? Clear hua? Chalo dekh bhi lete hain. Wireshark tool use hota hai real time mein capturing aur sniffing ke liye. Jee. Open karo Wireshark ko. Ab bahut sari cheeze khol diye aaj to lag raha hai. Band karo isko. Tadang tadang. Brave browser. Remind me later. Kaun se adapter ko capture kar raha hun? वाईफाई. यस और नो? वाईफाई पे गया. हमको देखना है भैया TCP वाला. यस और नो? चलो अब देखो google.com भेज दिया. अब देखो यहाँ पे पीछे आ जाओ. स्टॉप कर दो क्योंकि बैकएंड में बहुत सारी चल रही है मेरी सर्विसेज. DNS. अब मैंने क्वेरी भेजी थी, ढूंढना पड़ेगा. कई बार ऐसा होता है कुछ और क्वेरियां दिखा देता हूँ मैं बच्चों क्लास में. ढूंढने दो पहले. ये कौन सी आ रही है? डोमेन नेम सिस्टम. सोर्स आईपी क्या है? 0.103. और मेरी आईपी भी देख लो क्या दे रखी है वायरलेस अडेप्टर को. 0.103. ठीक है भाई, आ जाओ इधर. और डेस्टिनेशन कौन है? 8.8.8. ये पब्लिक सर्वर है या लोकल सर्वर है? पब्लिक है. तो मैं IPv4 यूज कर रहा हूँ या IPv6? IPv4 यूज कर रहे हैं आप. V4. ओके, नो इशू. टाइप फील्ड में क्या लिख के जा रहा है? टाइप ए. सिंगल ए. तसल्ली ले ली. अब रुको, दूसरी देखो. एक और दिखाता हूँ मैं आपको. रुको रुको रुको, यार बहुत सारी है ना. एक्चुअली दैट इज द रीजन. ये लो भाई, जो आपने क्वेरी करी थी. किसकी करी थी? google.com. कौन है? यस और नो? अब सर्वर ने क्या भेजा होगा? उसका रिस्पांस. सर्वर ने क्या भेजा होगा? रिस्पांस. ये आ रहा है सर्वर का रिस्पांस, दिख रहा है? हाँ. गूगल की आईपी का क्या बता दिया? आंसर. आंसर में क्या आईपी है? 216.58.221.40. अब मैं इसको एंटर करूंगा और आईपी टू नेम कन्वर्जेशन होगी. अभी तो नेम टू आईपी हुई थी और अब क्या दिखाऊंगा? आईपी टू नेम. देखो 216.58.221.45 या 46. ये लो, google.com खुलेगा. हो गया भाई? दैट इज द रीजन. अब इस सर्वर को कैसे पता चला था IPv4 की है? क्योंकि यहाँ पे टाइप फील्ड में क्या लग के जा रहा है? सिंगल ए. सिंगल ए. जब भी यहाँ पे टाइप फील्ड में 4 टाइम ए आएगा तो उसका मतलब कौन सी क्वेरी भेज रहे हो आप मार्केट में? IPv6. क्लियर है भाई? ओके. बताइए आप लोग. क्लियर है सर. चलो, ये था आपके F5 का कॉन्सेप्ट. क्लियर है? विदाउट F5 डिवाइस, विद F5 डिवाइस. नाउ टुमारो वी विल डिस्कस अगेन अ डे टू. क्या डिस्कस करेंगे? डे टू. सर वो क्वेरी में और भी कुछ है क्या उसमें, या फिर उतना ही था? एक ही था. और क्या देखेंगे? DNS करें लास्ट में जो सर बताया आपने. हाँ, तो वो जो पेंट पे जो आप बताए थे लास्ट में, बताइए. हाँ, इसमें बस DNS क्वेरी मैसेज के ही केवल 2 टाइप हैं, या फिर रिप्लाई मैसेज के भी? कोई और टाइप होगा ही नहीं. क्वेश्चन आप किस में पूछते हो? क्वेरी में. अच्छा. आंसर में तो सिर्फ क्या आता है? रिप्लाई. रिप्लाई करेगा वो क्वेरी के हिसाब से. क्वेरी से ही तो पता चलेगा ट्रैफिक IPv4 है या IPv6. क्लियर है? हाँ सर. जी हाँ. और जब DNS क्वेरी नॉट रिजॉल्व आता है तो आपको मोहल्ले में ये मैसेज दिखता है जो पहले देखने को मिलता था बिफोर 2015 से पहले. दिस साइट कांट बी रीच. यस और नो? यस. क्लियर है राहिल? यस. एनी डाउट डियर? नहीं. लैब के लिए क्या पर्टिकुलर कुछ